अनिल सर, वेरी गुड मॉर्निंग, विश यू वेरी हैप्पी होली। सर, ग्लोबल मार्केट से तो जितने भी संकेत हैं, पॉसिबल जितने भी संकेत हैं, सब तरफ से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। किस तरह से हमारे बाजार को देखना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग देवांशी, आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया संकेत है, त्योहारों में जाने के पहले बाजार बहुत ही अच्छी मजबूती के साथ और एक बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर 17,000 का है उसके पार निकलकर खुलने और टिकने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से बाजार का बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद अब अमेरिकी बाजारों की शानदार तेजी हमारे काम आती दिखेगी। और जैसा अभी बग्गा साहब बता भी रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय संकेत काफी मजबूत है, चाहे वो रशिया यूक्रेन को लेकर हो, चाइना को लेकर हो। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये सारे के सारे संकेत आपके लिए बेहद पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा बड़े लंबे समय बाद 11 फरवरी के बाद पहली बार FIIs की तरफ से कैश मार्केट में छोटा ही सही लेकिन खरीदारी का आंकड़ा है और वायदा कारोबार में उन्होंने दमदार शॉर्ट कमिंग और खरीदारी की है। तो ओवरऑल इससे बड़े आपके लिए लंबे वीकेंड से पहले संकेत हो नहीं सकते। मजबूत शुरुआत के संकेत जो 250-300 पॉइंट ऊपर है एसडी 50 पर उतना तो बनता है। बाकी बाजारों को आप देखिए काफी तेज दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 16,925 16,975 अब आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा गैप से खुलने के बाद। और 17,375 का टारगेट ऊपर की तरफ का है, निफ्टी जहां जाने की कोशिश कर सकता है 17,250 के आसपास खुलने के बाद। बैंक निफ्टी का जहां सवाल है 34,500 35,750 आपके लिए आज सपोर्ट के तौर पर काम करेगा बैंक निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी सीधा यहां से 36,800 36,900 तक की यात्रा करने को तैयार है। तो अच्छी तेजी के साथ दोनों ही इंडेक्सेज में आज कारोबार होता हुआ दिख सकता है। हाँ, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना आज बन सकती है। इसकी बहुत बड़ी वजह कि लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन एक दिन छोड़ने बीच में तो आप लगातार तेजी में रहे। एक तरफा 15,671 से आप यहाँ पर तेजी में आए, दूसरा लंबा वीकेंड है। दूसरे लंबे वीकेंड के पहले जो तेजी में फंसे हुए ट्रेडर्स है वो ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं लेकिन कोई खास कमजोरी या मंदी होगी उसकी संभावना कम है। तो ओवरऑल रुझान अच्छा है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और इंडेक्सेस के साथ साथ आप डॉलर मार्केट में भी आज अच्छी तेजी होते हुए देखेंगे। जी देवांशी, बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देखिए आज लोअर लेवल से तो खरीदारी आनी तय है, जिस तरह से संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं, 16,975 ये सपोर्ट लेवल्स फिलहाल मिलते हुए दिखेंगे और इसके बाद जो दिन के अंत तक थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी आ सकती है। निफ्टी बैंक के लिए भी सिमिलर लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, वहां से भी शानदार गेन्स आते हुए दिखेंगे क्योंकि लगातार बाजार में खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो इसके चलते ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है लेकिन निफ्टी बैंक के लिए भी सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, 36,900 के लेवल्स के आसपास ऊपरी रेंज फिलहाल निफ्टी बैंक की मिलती हुई।